ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम पढ़े आज उसमें आगे के फॉर्मूले थे। टैन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा का कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला है कॉस थीटा का साइन थीटा। टैन थीटा को और एक बोलते हैं, टैन थीटा को बोलते हैं वन बाय कॉट थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, मैं अलग से लिख देता हूं। टैन थीटा का फॉर्मूला है वन बाय कॉट, ये तो पढ़े ना, वो पढ़े से टैन का वन बाय कॉट और कॉट का वन बाय कॉट, ये तो हो गया था, ये बच गया था अपना। ठीक है देखिए, तो टैन का क्या है फॉर्मूला, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब बताओ इसको थीटा बोलना, एंगल 3x है लेकिन इसको थीटा बोलना। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो एंगल मस्ट बी सेम, हाँ एंगल सेम होने चाहिए। मतलब कॉट, इसको कॉट थीटा ही बोलना, कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। एंगल वही रहेगा जो ये है, इसको थीटा बोलना, कॉट थीटा बोलो कॉस थीटा का। चलो उल्टी प्रोसेस, उल्टी प्रोसेस है, टैन को जैसे आप साइन बाय कॉस लिखते हो, कॉट को क्या लिखते हो, कॉस बाय साइन। तो बताओ फिर उल्टा, साइन बाय कॉस को क्या लिखोगे टैन, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, और कॉस बाय साइन का क्या होता है कॉट, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। इधर देखो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, गलत, क्यों नहीं होगा सर, कॉस बाय साइन कॉट होता है ना, अरे ये एंगल सेम चाहिए ना, ये कॉस एम एक्स है ये साइन एन एक्स है, एंगल कैसे है डिफरेंट, इस कॉस बाय साइन का कॉट नहीं होगा, ये जैसे है वैसे है, कॉस बाय साइन का कॉट क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंगल कैसे है डिफरेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।